कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ उन किसानों से मिलने दिल्ली के शिंगू बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों को कहा कि मैं आपके सेवादार की तरह आपके लिए पूरी सरकार के द्वारा आपकी सेवा करेंगे, आपकी सहूलियतों की चिंता इस सरकार को है। और तब से केंद्र सरकार घमंड के कारण तनाव में है। जब से मुख्यमंत्री सिंगू बॉर्डर से किसानों से मिलकर आए हैं और किसानों को समर्थन देके आए हैं, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, एमएचए के इशारे पे, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनसे ना कोई मिल सकता है ना वो बाहर आ सकते हैं। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा, उनको उठाकर फेंका गया, सड़क पे फेंका गया। ये वीडियोस आप सबने देखी है। कार्यकर्ता जो मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने गए उनको भी नहीं मिलने दिया गया और भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बिठाकर उनकी आवभगत की जा रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, कोई नहीं जा सकता। यहां तक कि घर की मेड भी मुख्यमंत्री जी के घर में नहीं जा पा रही है। केंद्र सरकार को यह डर सता रहा है कि आज भारत बंद में अगर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया तो केंद्र सरकार का झूठ कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस के लोगों से जब बात की गई तो वो भी प्राइवेट में अपना नाम ना बताने की शर्त पे ये कह रहे हैं कि साहब आप यहां पे पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तुरंत बताया गया कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने चारों तरफ से मुख्यमंत्री के घर को रोका हुआ है, घेरा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर की। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं सीधे ऑर्डर ऊपर एमएचए से आए हुए हैं कि जब तक किसानों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है अरविंद केजरीवाल को इसके घर में ही रखो। तो आज हमारे सारे साथी यहां पे आईटीओ के ऑफिस में जो इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग यहां से अरविंद केजरीवाल जी के घर की तरफ जाएंगे। अगर पुलिस रोकेगी, हमारा कोई साथी पुलिस के साथ या किसी के साथ कोई वॉयलेंस की बात भी नहीं करेगा, कोई अपशब्द नहीं कहेगा, मगर हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के घर पे जाकर मुख्यमंत्री जी को वहां से निकालकर इस किसानों के प्रोटेस्ट के साथ उनको खड़ा होना देखना चाहते हैं। तो मैं आप सब साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए केंद्र सरकार का और दिल्ली पुलिस का घिनौना।